हाय गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अपने घरों पे ठीक हो और पॉजिटिव फील कर रहे हो। तो गाइस, आज जो हमारी रीडिंग है वो है यू वर्सेस देम, आपकी और आपके पार्टनर की फीलिंग्स। ठीक है, तो देखेंगे कि आपकी फीलिंग्स क्या हैं और आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है। और थीटा पे ध्यान मत दीजिएगा, अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो रही है तो ये रीडिंग आपके लिए। और गाइस, मैंने अपना इंस्टा की आईडी बना ली है, अगर आप वहां पे भी मुझे फॉलो करोगे, मैं आपको वीडियो के नीचे अपनी जो इंस्टा आईडी है उसका नाम मेंशन कर दूंगी। आप मुझे वहां पे भी फॉलो कीजिए, क्योंकि वहां पे भी मैं शॉर्ट वीडियो बनाना स्टार्ट करने लगी हूं और वहां पे मैं आपको रेमेडीज भी बताऊंगी। ठीक है, आपके जो भी सिचुएशन होगी उसके अकॉर्डिंग मैं आपको रेमेडी बताऊंगी, तो आप वहां पे चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और जिन्होंने भी मुझसे एक सवाल या दो सवाल या तीन सवाल के अकॉर्डिंग कोई भी आपने रीडिंग लेनी है, एक दो सवाल के अकॉर्डिंग, तो आप ले सकते हो। व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे, या मैं आपको प्रोसीजर बता देती हूँ। व्हाट्सएप पे जैसे ही आप मैसेज करोगे, आपने अपना सवाल लिख देना है। ठीक है, जो भी आपने सवाल पूछना है, जैसे ही आपने एक सवाल पूछना है, आपने एक सवाल अपना जो भी चाहे बोल के चाहे लिख के आप सेंड कर दो। उसके बाद आपने एक सवाल के अकॉर्डिंग पेमेंट करनी है, हाफ आवर के बाद ही आपको उसी सवाल का जवाब मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए, क्योंकि मैंने देखा कई लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने बड़ी रीडिंग नहीं करवानी होती, उनके सिर्फ एक या दो सवाल होते हैं तो उनको बहुत परेशानी होती है, तो उन लोगों के लिए ही ये प्रोसीजर मैंने निकाला है। ठीक है, चलिए पहले मैं आपकी फीलिंग्स निकालती हूँ। सिक्स ऑफ पेंटिकल, ओके, गाइस ये यू वर्सेस देम की रीडिंग है। ठीक है, ओके, अब देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है। किंग ऑफ पेंटिकल, व्हील ऑफ फॉर्चून, द एम्परर, जजमेंट, और बॉटम ऑफ द डेक हमारा जो कार्ड आया है वो आया है द वर्ल्ड। ठीक है, एक मिनट, आई होप आपको कार्ड दिख रहे होंगे। वेट गाइस, मुझे ये है कि आपको कार्ड अच्छे से दिखे। ओके, चलिए, और एक मैं कार्ड आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी निकाल लूंगी। ठीक है, कि आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी क्या है। ये आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी है, ये मैं अभी नहीं निकालूंगी, ये मैं लास्ट पे आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है, वेट गाइस, मैं कार्ड अच्छे से एडजस्ट कर दूं। चलिए, तो पहले मैं आपको साइंस बता दूं। यहाँ पे अगर मैं साइंस की बात करूं तो यहाँ पे मुझे टॉर्स वर्गो कैप्रिकॉन दिखाई दे रहा है, एरीज लियो सेजिटेरियस, यस, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस भी यहाँ पे बहुत कम है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस नहीं है गाइज यहाँ पे। ठीक है, और वेट 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 वेट, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस भी नहीं है यहाँ पे। यस, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस है, लेकिन यहाँ पे मुझे कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं गाइज, आपको टेंशन नहीं लेनी, रीडिंग आपके लिए ही है। वेट गाइज, सॉरी वो ऊपर कुछ आ गया था, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। अगर आपके साइंस नहीं है तो साइंस पे फोकस मत कीजिएगा, अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही है तो रीडिंग पे फोकस कीजिए। गाइस देखिए, अगर मैं आपकी एनर्जी देखूं, ये आपकी साइड है, ये आपके पार्टनर की साइड है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आपकी एनर्जी देखूं तो आप चाहते हो कि आपके पार्टनर आपकी तरफ आए, लेकिन खुद को बदल कर आए, क्योंकि आप नहीं चाहते कि आपके पार्टनर कभी ऑन ऑफ करें, कभी आ जाएं, कभी चले गए, क्योंकि आप अपने पार्टनर से क्लैरिटी चाहते हो। मुझे यहां से क्लियर दिखाई दे रहा है, आपको क्लैरिटी चाहिए, आप चाहते हो कि जितना प्यार मैं दे रही हूं उतना प्यार मुझे चाहिए। ये नहीं कि मतलब सिर्फ आप, मतलब आप इक्वल गिव एंड टेक चाहते हो, आप चाहते हो कि आपके पार्टनर आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करें, आपके साथ बैलेंस बना के चले, आपको वेटिंग जोन में ना छोड़े। क्योंकि मुझे यहां पे ये दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको वेट बहुत करवाते हैं, या तो ऑन ऑफ करते हैं या आपको ब्लॉक कर देते हैं, क्योंकि मुझे यहां पे काफी व्यूवर्स मेरे लग रहे हैं जो ब्लॉक्ड है। तो आप ये नहीं करना चाहते, आप चाहते या तो ये इंसान प्रॉपर आ जाए या ये इंसान मेरी लाइफ से प्रॉपर चला जाए, क्योंकि आपके पार्टनर जो ने आपको बीच मझधार में अटका कर रखा हुआ है, जो मुझे यहां से दिखाई दे रहा है। ठीक है,
क्योंकि आप अपने पार्टनर के लिए बहुत पजेसिव हो, मुझे साफ साफ जहां से दिखाई दे रहा है आप अपने पार्टनर के लिए काफी प्रोडक्टिव हो, काफी ज्यादा पजेसिव हो, आप हर चीज शेयर कर सकते हो लेकिन अपने पार्टनर को किसी और चीज के साथ शेयर नहीं कर सकते, किसी के साथ भी शेयर नहीं कर सकते, जो मुझे यहां से क्लियर दिखाई दे रहा है। क्योंकि आप चाहते हो कि आपके पार्टनर आपके लिए, अगर मैं देखूं ना, आपने अपने पार्टनर को अनकंडीशनल लव दिया, उनको प्यार दिया, उनको फीलिंग दी है, उनको अपनी पूरी जो होती है ना फीलिंग, आपने बहुत कुछ इन्वेस्ट किया गाइज इस रिश्ते पे, मुझे ये दिखाई दे रहा है, बहुत कुछ, यहां तक कि अपने आंसू भी आपने इस रिश्ते पे इन्वेस्ट किए, ये नहीं कि सिर्फ अपना प्यार अपनी फीलिंग ही की है, आपने अपने आंसू भी इस रिश्ते में इन्वेस्ट किए, लेकिन आपको इस इन्वेस्ट जो किए है ना उनका रिजल्ट नहीं उतना मिला, आप आज भी एक वेटिंग जोन में हो, आज भी। गाइस एक मिनट रुकना, सॉरी गाइस मेरी डॉग थी बहुत तंग कर रही थी इसलिए मैंने बाहर कर दिया उनको। तो यहां से जो मुझे दिखाई दे रहा है वो ये है कि आप चाहते हो कि आपके पार्टनर या तो आ जाएं या तो चले जाएं, क्योंकि आप वेटिंग जोन में नहीं रहना चाहते, उनकी वजह से आप स्टक हो चुके हो अपनी लाइफ में, अपनी ग्रोथ नहीं आपकी हो रही, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, हर टाइम अपने पार्टनर के दिमाग में वो आपके दिमाग में घूमते रहते हैं, हर वक्त आप उनको वेट करते हो, उनके कॉल की उनके मैसेज की, हो सकता है आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक भी किया हुआ है, मुझे यहां से दिखाई दे रहा है। और मुझे ये भी लग रहा है गाइस काफी मेरे व्यूवर्स ऐसे हैं जो अपने पार्टनर को सोशल मीडिया पे स्टॉक भी करते हैं, काफी व्यूवर्स मुझे दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने, जो मुझे नहीं पता आप फेक आईडी से करते हो कैसे करते हो, लेकिन काफी मेरे व्यूवर्स हैं जो अपने पार्टनर को काफी वॉच करते हो, देखते हो कि वो सोशल मीडिया पे क्या कितना एक्टिव है या किससे बात कर रहे हैं या क्या हो रहा है उनकी लाइफ में, क्या नहीं हो रहा, क्योंकि आपको इस चीज की जानने की बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी है, मुझे यहां पे ये दिखाई दे रहा है। क्योंकि आप यहां पे बहुत ज्यादा मुझे, क्योंकि आप ना अपने प्यार को काफी ज्यादा मैंने देखा आपने संभाल के रखा है, आपने अपने प्यार को प्रोटेक्ट किया है, आपने अपने पार्टनर को हर चीज में साथ दिया है, आपने पार्टनर को हर तरीके से आपने समझाया है, लेकिन मुझे ये लगता है कि जितना आपने इन्वेस्ट किया आपके पार्टनर ने उतना इन्वेस्ट नहीं किया, और आप आज भी मुझे लगता है कि आपको 8 मंथ या 4 मंथ हो चुके हैं अपने पार्टनर के साथ, ये जो ऑन ऑफ चल रहा है, या आपके पार्टनर ने ब्लॉक किया, क्योंकि डेथ की एनर्जी मुझे ये बता रही है कि आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक किया हुआ है, या वो आपकी लाइफ में ऑन ऑफ करते रहते, कभी ब्लॉक कभी अनब्लॉक, ब्लॉक अनब्लॉक ऐसा खेल खेलते, ठीक है। लेकिन आप आज भी अपने पार्टनर की वेट में बैठे हुए, और गाइज मुझे पता नहीं क्यों बार बार ये आ रहा है कि आपने, कई मेरे व्यूवर्स हैं जिन्होंने अपनी हेल्थ को बहुत खराब किया अपने पार्टनर की वजह से, बहुत ज्यादा इस रिलेशनशिप में आपने तकलीफ झेली है, यहां से क्लियर क्लियर मुझे दिखाई दे रहा है। अब देखते हैं आपके पार्टनर की साइड, देखिए आपके पार्टनर मुझे काफी ज्यादा प्रैक्टिकल माइंड वाले दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल माइंड, बहुत ज्यादा स्टबर्न, बहुत ज्यादा एक अग्रेसिव जिद्दी इंसान, जिनका जो एक डिसीजन है ना वो उनका, जो उन्होंने बोल दिया ना वो उनका फाइनल डिसीजन होता है, बहुत जिद्दी है, क्योंकि एम्परर की एनर्जी है ये, बहुत स्टबर्न जिद्दी प्रैक्टिकल माइंड से सोचने वाले इंसान है, और ये इंसान मुझे काफी ज्यादा मनी माइंडेड भी लग रहा है, इन्होंने मनी को ज्यादा प्रायोरिटी दी ना कि आपको, हमेशा अपनी उलझनों में उलझे रहे, अपनी सोच में उलझे रहे, उनको क्या चाहिए उन चीजों में उलझे रहे, उनको कितनी ग्रोथ चाहिए, मतलब अपने ही थॉट्स में वो घिरे पड़े हैं, क्योंकि वो अपना वक्त बदलना चाहते हैं, उनको ये लगता है कि ये जो वक्त है ना वो वक्त, मतलब उनको ना जो प्यार एक ना, उनको एक बात बोलूं, उन्होंने आपके प्यार को कभी सीरियसली लिया ही नहीं है, उन्होंने हमेशा इस प्यार को एक नॉर्मल, जैसे एज ए फ्रेंड या नॉर्मल जिसे बोलते हैं ना वो लिया, क्योंकि उनको इतना प्यार कभी मिला ही नहीं, जिनकी वजह से उन्होंने कभी आपके प्यार को सीरियसली लिया ही नहीं,
आप उनको सीरियस प्यार करते रहिए, सीरियसली, मतलब जिसको जेन्युइन लव बोलते हैं। लेकिन आपके पार्टनर ने हमेशा आपको प्यार को एक प्रैक्टिकल वे में लिया, कि जिसे हम शब्द दे सकते हैं कि इस इंसान के लिए मूव ऑन होना कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहां पे मुझे वही दिखाई दे रहा है, आपके पार्टनर ने हमेशा आपके प्यार को फॉर ग्रांटेड लिया, ठीक है। हमेशा उनके पास समझ है, उनके पास नॉलेज है, उनके पास सब कुछ है, वो चाहें तो इस वक्त को बदल सकते हैं। लेकिन एक चीज गाइज मैं आपको बता दूं, आपके पार्टनर को इस चीज का, तो जो भी आपके साथ करके गए, उनको इस चीज का 100% अपने आप पे डर है कि हो सकता है, मैंने बोला ना कि वो अपनी लाइफ में उलझे हुए हैं, वो अपनी ग्रोथ में उलझे हुए हैं, वो अपने आप को चेंज करना चाहते हैं, वो अपने आप को अपना लाइफस्टाइल चेंज करना चाहते हैं, वो मनी माइंडेड है, वो मनी कमाना चाहते हैं। लेकिन आपके पार्टनर को कर्मा से बहुत डर लग रहा है, बहुत ज्यादा डर लग रहा है। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो, दो कार्ड आए, और ये देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून और यहाँ पे जजमेंट, दोनों ही कार्ड मेजर अरकाना के हैं, और आपके पार्टनर बहुत ज्यादा अपने कर्मा से मुझे डर रहे, डरते हुए दिखाई दे रहे। उनको डर लग रहा है कि, क्योंकि आपको भी पता है गाइस, किसी को रुलाकर उनके आंसुओं पे अपना घर बनाना, अपने घर की नींव रखना, तो वो तो आपको भी पता, मुझे नहीं लगता मुझे बताने की जरूरत है कि किसी के आंसुओं पे बनाए हो घर ज्यादा टाइम नहीं रुकते, ठीक है। क्योंकि आपके जो आंसुओं की बाढ़ है ना, वो उस घर की मिट्टी को पिघलाकर उसको खत्म कर देगी, उसकी नींव को खत्म कर देगी। और जिस घर की नींव ही पक्की नहीं है, वहां पे तो आपको पता ही है वो घर स्ट्रांग बन ही नहीं सकता। तो आपके पार्टनर ने आपके, यहां पे अगर मैं देखूं तो उन्होंने आपके, मैं सच्ची बात बोलूं तो उन्होंने आपके आंखों की जो आंसू है ना, उनकी भी वैल्यू नहीं की। लेकिन अब मैं अगर बोलूं तो आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हैं। अब आप पूछोगे कि ऐसे क्यों दी, वो इसीलिए क्योंकि आपके पार्टनर को ये लगता है कि आप उनके गुड लक चार्म, आप उनके साथ थे तो उनका चाहे वो थोड़ा खाते थे कमाकर, लेकिन उनको ये था कि वो चैन से उस चीज को एंजॉय कर पाते थे। लेकिन जैसे वो ज्यादा की भूख उनके अंदर आई ना, और उन्होंने उस भूख के चक्कर में आपको दूर किया, उसी चक्कर में उनका सब कुछ, वेट गाइस, उसी चक्कर में उनका सब कुछ खत्म हो गया। या ज्यादा कहते हैं ना, ज्यादा का लालच इंसान को हमेशा खड्डे में ही गिराता है। तो आपके पार्टनर ने ज्यादा के चक्कर में आपको इग्नोर किया, या आपको ब्लॉक किया, या अपने करियर पे ज्यादा फोकस किया, तो उस चक्कर में हुआ क्या, हुआ ये कि आपके पार्टनर का गुड लक चार्म चला गया। क्यों? क्योंकि भगवान ने भी उनको एक कर्मा फेस करवाया कि किसी के आंसुओं को छोड़कर, किसी को पेन देकर, किसी को तकलीफ देकर तुम अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने में लगे हुए हो, अपने करियर पे फोकस कर रहे हो, अपने आप को ग्रो करने पे लगे हुए, ऐसे कैसे हो सकता है कि तुम्हारे पैसे की कीमत इतनी ज्यादा नहीं जिसे उस इंसान की आंसुओं की कीमत है, और तुम किसी को रुलाकर अपनी बिल्डिंग बनाना चाहते हो या अपनी एक एम्पायर खड़ा करना चाहते हो, तो वो तो मैं नहीं होने दूंगा। जिसकी वजह से आपके इंसान कर्मा से डर रहे हैं, और उनको अंदर ही अंदर इस चीज का एहसास हो रहा है कि हो ना हो ये मेरे साथ इसीलिए हो रहा है क्योंकि मैंने उस बंदा या बंदी के साथ गलत किया, उसको धोखा दिया, उसको चीट किया, उसको हर्ट किया, उसको पेन दिया, ये मुझे दिखाई दिया। चलिए आगे देखते हैं, आपकी एनर्जी देखते हैं, आपकी करंट फीलिंग क्या है इस टाइम की। एंजल प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स की करंट फीलिंग क्या है। गाइज मैंने बोला था ना कि आप अपने पार्टनर को बहुत ज्यादा स्टॉक करते हो सोशल मीडिया पे, यहाँ पे 100% श्योर है आप अपने पार्टनर को सोशल मीडिया पे स्टॉक करते हो, काफी इंक्वायरी रखने की कोशिश करते हो कि आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है, किससे बात कर रहे हैं, या उनकी लाइफ में कोई और तो नहीं है, काफी चीजें आपको जानने की क्यूरियोसिटी है, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है। और मुझे एक चीज और दिखाई दे रही है गाइज कि आप काफी ज्यादा हो सकता है जो आप दोनों में कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स है उनके थ्रू भी आप अपने पार्टनर की इंक्वायरी जानने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। अब सबके साथ नहीं बोलूंगी कि सभी यही चीज कर रहे हैं, कोई कर रहा है कोई नहीं कर रहा है, लेकिन यहां पे मुझे ये दिख रहा है, और आप इस रिश्ते में रिस्क लेना चाहते हो, आप इस रिश्ते में रिस्क लेना, काफी मेरे व्यूअर्स है, देखिए गाइज
यहाँ पे दो एनर्जी निकल कर आई है। अब दोनों सब जनरल रीडिंग है, सबके साथ अलग अलग रेजोनेट करेगा। फर्स्ट मुझे ये लग रहा है कि आप इस रिश्ते में रिस्क लेना चाहते हो, और सेकंड जो मुझे पर्सन काफी दिखाई दे रहे हैं मेरे व्यूवर्स, वो ये है कि वो चाहते हैं कि वो ऐसा रिस्क लेना चाहते हैं जो रिस्क आगे जाके बरकत में कन्वर्ट हो, क्योंकि उनको उनका माइंडसेट ये है कि इस रिश्ते में रिस्क लेने का फायदा तभी है अगर उनमें बरकत हो। और वो अपनी लाइफ को, काफी मेरे व्यूवर्स ऐसे जो अपनी लाइफ को दोबारा से स्टार्ट करना चाहते हैं, एक नया मोड़ देना चाहते हैं अपनी लाइफ को, अपनी एक नई जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है, आगे बढ़ना चाहते हैं आप अपनी लाइफ में, क्योंकि आप थक चुके हो। काफी मेरे व्यूवर्स है जो अपनी लाइफ में आगे ग्रोथ चाहते हैं। अब आपके पार्टनर की करंट फीलिंग देखते हैं क्या है। देखिए, आपके पार्टनर को ये लगता है कि आप कहीं मूव ऑन ना हो गए, क्योंकि उनको ये लगता है, आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा इस चीज का डर है कि कहीं आप मूव ऑन तो नहीं हो गए, बहुत ज्यादा डर है। और गाइज, मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि देखिए, मैं यहाँ पे दो एनर्जी बोलूंगी, मुझे दो एनर्जी मिली है, तो दो एनर्जी ही पिक हुई है, तो मैं आपको बताऊंगी। देखिए गाइज, कई मेरे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनको ये लगता है कि आप कहीं मूव ऑन तो नहीं हो गए, और कई मेरे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके पार्टनर मूव ऑन हो चुके हैं, ठीक है। अब सबके साथ ये रेजोनेट नहीं होगा, मैंने पहले ही बोल दिया है, कई मेरे व्यूवर्स ऐसे हैं जो मूव ऑन हो चुके हैं, ठीक है। लेकिन गाइज, ये जो मूव ऑन हुए हैं ना जिनके पार्टनर, ये मुझे टेम्परेरी मूव ऑन हुए नजर आ रहे हैं, वो इसीलिए क्योंकि आपके पार्टनर कर्मा से बहुत डर रहे हैं, और उनको ये लगता है कि आपके जाने से उनका गुड लक चार्म खत्म हो गया है, ठीक है, तो उनको ये लगता है। तो यहाँ पे देखिए, अपने आप ही कार निकला है, पेज ऑफ कप्स। आपके पार्टनर ने जो पहले बेवकूफियां की थी ना इस रिश्ते में, जितनी भी, क्योंकि यहाँ पे पेज की एनर्जी दो बार निकली है, तो आपके पार्टनर ने जितनी भी पहले बेवकूफियां की थी ना, जितना भी एक अनमेच्योर बिहेवियर किया था, तो आपके पार्टनर को लगता है कि उसी अनमेच्योर बिहेवियर की वजह से उन्होंने ये सारे रिश्ते में रायता फैलाया है, सारा रिश्ता खराब किया है। तो अब आपके पार्टनर आपको कॉल मैसेज करके उसी जो रायता फैलाया उसको समेटना चाहते हैं, उनको ये लगता है कि अभी फिर भी राइट वक्त है, राइट डिसीजन पे, सॉरी राइट टाइम पे राइट डिसीजन लिया गया, तो मतलब मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। वरना वो अपने कर्मा से डरते हुए, तो गाइज मुझे, मैं 100% श्योर बोलती हूँ कि बहुत डर रहे हैं, और हो सकता है उनको कर्मा उनका मिल भी रहा है, और डिवाइन आपके साथ जजमेंट करता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। जजमेंट तो आपके साथ होगी, क्योंकि अगर आपको लगता है कि आपके आंसुओं पे कोई अपनी इम्पायर बना लेगा, तो गाइज वो तो नहीं बनेगा। तो यहां पे मुझे आपके पार्टनर, काफी मेरे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके पार्टनर मुझे लौटते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर के आने वाले टाइम में इरादे क्या है। मैं दो कार्ड निकाल, आपके पार्टनर देखिए आप पे स्टक है, वो बहुत बन चुके हैं, बहुत ज्यादा अपनी सिचुएशन में स्टक है, जो उनके हालात इस टाइम बने हुए उनमें स्टक है, उन्होंने काफी चीजें खो दी हैं गाइस, काफी चीजें, मुझे ये रियलाइज हो रहा है यहाँ पे, काफी चीजें हैं जो आपके पार्टनर खो चुके हैं, उनको लॉसेस हुए हैं, उनकी कुछ ही किसी भी चीज में ग्रोथ नहीं हो रही आपके पार्टनर की। आपको छोड़ के तो गए थे ग्रोथ के चक्कर में, अपने करियर के चक्कर में, ज्यादा के लालच में चक्कर के, लेकिन वहां पे आपके पार्टनर का कुछ भी ग्रोथ नहीं हो रही। आपकी तरफ आ रहे हैं गाइस, क्योंकि उनका प्यार आपके लिए बहुत ज्यादा मुझे दिख रहा है, बहुत ज्यादा, कि जो किंग की एनर्जी होती है, ये बहुत इमोशनल इंसान होता है, और आपके पार्टनर अपना आज भी, सॉरी गाइस मेरा थोड़ा सा गला, मैंने बोला ना जब मैं बोलती हूँ तो मेरा गला पेन हो रहा है, तो सॉरी, जब मैं रीडिंग करती हूँ हो जाता है पता नहीं कभी कभी। तो यहां पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज्यादा आपको प्यार देना चाहते हैं, बहुत ज्यादा प्यार देना चाहते हैं, क्योंकि वो आज भी आप पे ही स्टक है, आपको याद करते हैं, आपको मिस करते हैं, लेकिन ये जो भी उनमें एक ट्रांसफॉर्म वो हुए हैं, उनमें एक चेंज आया, वो उनकी जो उनके साथ इस टाइम हालात हो रहे हैं ना, जो उनको भगवान की तरफ से डंडे पड़ रहे हैं, जो उनको मुक्के पड़ रहे हैं, जो भी हो रहा है, उनकी वजह से ही आपके पार्टनर को आपकी वैल्यू समझ में आई है। वरना जैसा ये इंसान है ना, ये एक ऐसा इंसान है, बहुत स्टबन और ईगोइस्टिक इंसान है ये, लेकिन ये जो कुछ भी हुआ है, वो उनको ये लगता है कि आप उनके लिए एक लक थे, आप उनके लिए एक लकी चार्म हो, तो वो नहीं चाहते कि उनका लकी चार्म चला जाए, ठीक है। चलिए मैं रीडिंग अब मैं देखती हूँ आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी क्या निकली।
देखिए आप दोनों में को ही खालीपन लगता है, अकेलापन, खालीपन, आप दोनों को लगता है कि हम एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट है, उनको भी लगता है, आपको भी लगता है। और मेजर अरकाना का कार्ड है, आप दोनों एक दूसरे के साथ होते हो तो आपको ऐसे लगता है कि आप कम्प्लीट हो, जैसे ही आप दोनों अलग अलग होते हो उनको लगता है, उनको भी लगता है कि अनकम्प्लीट हूं, आपको भी लगता है, आपको, आप उनकी वेट करते हो, उनको लगता है उनका गुड लक चार्म चला गया, क्योंकि आप दोनों ही इस रिश्ते में रहना चाहते हो, लेकिन आपके पार्टनर की बेवकूफियों की वजह से ये रिश्ता उन्होंने खुद ही खराब किया या कर रहे हैं, अगर किया नहीं है तो कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि एंजल्स के मैसेज क्या है आपके लिए। चलिए आज मैं इस डेक से भी आपके लिए एक मैसेज निकालती हूँ, वेट गाइस, मैसेजेस भी उछल उछल के बाहर कभी कभी आते हैं डेक से। एंजल प्लीज एक कार्ड दीजिए। पैशन, आपके लिए पैशन आज भी उतना ही है आपके पार्टनर के दिल में जितना उनके दिल में आपके लिए पैशन पहले था, उनका पैशन बिल्कुल भी 1% भी कम नहीं हुआ। मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि आपके पार्टनर आपके लिए आज भी उतना ही प्यार है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपनी बेवकूफियों की वजह से उन्होंने इस रिश्ते को खराब किया। और यहाँ पे है रिलीज योर पास्ट, आपके पार्टनर उस पास्ट को खत्म करना चाहते हैं। और दूसरा यहाँ पे जो कार्ड आया वो आया रिलीज योर पास्ट। देखिए आपके पार्टनर पास्ट को खत्म करके जो भी पास्ट में था उसको रिलीज करके आपकी तरफ दोबारा से आना चाहते हैं, दोबारा से इस रिश्ते में इनिशिएट करना चाहते हैं, दोबारा से इस रिश्ते में ग्रोथ चाहते हैं आपके पार्टनर। तो यहाँ पे वो आपको भी यही मैसेज दे रहे हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप दोनों के रिलेशनशिप में पैशन खत्म हुआ है, क्योंकि यहाँ पे नीचे किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, ऊपर पैशन। गाइस आपने ना अपने पार्टनर के सामने एक ऐसी पर्सनैलिटी, इंडिविजुअली पर्सनैलिटी ऐसी बनाइए कि उनको ये लगता है कि आपके जैसा पर्सन उनको नहीं मिल सकता लाइफ में, तो उनको नहीं मिल सकता। उन्होंने आपसे ये चीजें कभी शेयर की हैं मुझे नहीं पता, लेकिन उनको ये लगता है कि आपके जैसा पर्सन उनको कभी भी नहीं मिल सकता। और आज भी जो आपकी एक पहचान है ना, इंडिविजुअली पहचान, वो खत्म नहीं हुई, क्योंकि आपने अपने पार्टनर के सामने अपने एक ऑरा ही ऐसा क्रिएट किया हुआ है कि उनको ये लगता है कि आप में बहुत पैशन है, बहुत ज्यादा, हो सकता है आप में जीने का बहुत जज्बा है, या हो सकता है आपके पार्टनर जब आपके साथ थे या हैं, आपने अपने पार्टनर को मतलब बहुत ज्यादा करज की, इनकरेज किया लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, तो आपके पार्टनर को ये लगता है कि आप में एक बहुत जज्बा है आगे जीने का, उनको ग्रो करने का। हो सकता है आप अपने पार्टनर को काफी ज्यादा मोटिवेट भी करते थे, आप में नई नई चीजें करने का पैशन भी है, और आपके रिलेशनशिप में भी मुझे लग रहा है कि पैशन खत्म नहीं हुआ। आपको सिर्फ और सिर्फ इतना करना है कि जो पास्ट है उसको रिलीज कर दीजिए, छोड़ दीजिए। चलिए गाइस डिवाइन का मैसेज देखते हैं कि डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहती है। इन दी नियरेस्ट फ्यूचर, आप दोनों का जो फ्यूचर है वो बहुत जल्दी ठीक होने वाला है गाइस। जो भी आप दोनों की प्रॉब्लम्स हैं वो खत्म होने वाली है, और आप दोनों का फ्यूचर बहुत नियर आ चुके, आप बहुत ज्यादा क्लोज आ चुके हो एक दूसरे के, उस टाइम के जब आप दोनों का रिकंसिलेशन होगा। ठीक है, अपने फ्यूचर की तरफ आप दोनों ही एक दूसरे के क्लोज आते हुए मुझे दिखाई दे रहे। ठीक है, और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक भी मैं आपको दिखा देती हूँ। नो नीड टू हरी, आपको ज्यादा जल्दी नहीं करनी है, हर चीज के लिए ज्यादा अग्रेसिव नहीं होना कि अभी सब कुछ हो जाए, अभी ठीक हो जाए, अभी हमारा रीयूनियन हो जाए। गाइज आपने बिल्कुल भी ऐसे नहीं करना, आपने कूल काम अपने आप को रखना है, अपने आप अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कीजिए, पॉजिटिव वे में मैनिफेस्ट कीजिए। और गाइज मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं वीडियो के नीचे अपनी इंस्टा की आईडी दूंगी, आप वहां पे मुझे जाकर फॉलो कीजिए, क्योंकि वहां पे मैं आपको काफी चीजें रेमेडीज बताया करूंगी आपके पार्टनर के रिगार्डिंग। ठीक है, जो भी रेमेडीज होंगी मैं आपको बताऊंगी, चाहे आप नो कॉन्टेक्ट में हो, ब्लॉग एनर्जी है, जो भी है, मैं आपको रेमेडीज शेयर किया कीजू, सॉरी कभी कभी गाइज फंबल हो जाता है, तो मैं आपको रेमेडी शेयर किया करूंगी और आप वहां पे जाकर देख सकते हो। लेकिन आप ज्यादा से ज्यादा वहां पे विजिट करो, वहां पे मैं वीडियोस बनाऊंगी, शॉर्ट वीडियो। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा ज्यादा तहश में नहीं आना कि अभी हो जाए फटाफट। ठीक है, बिल्कुल भी घबराना नहीं, क्योंकि आपकी सिचुएशन आने वाले टाइम में मुझे इम्प्रूव होती हुई दिखाई दे रही है। चलिए मैं एंजल्स का एक मैसेज निकाल लेती हूँ आपके लिए। इनर चाइल्ड, आपको अपने अंदर का जो बच्चा है ना उसको खत्म नहीं करना,
जो भी आपके अंदर एक मासूम बच्चा है जिसको आपने एक कोने में अपने रोने धोने में या अपनी टेंशनों में या अपनी ख्वाहिशों को मार दिया है ना, उस बच्चे को आपने वो नहीं करना। क्योंकि मुझे लगता है कि आप अपने पार्टनर के चक्कर में इतना ज्यादा आपने अपने अपने आप को पेन दिया है, अपने को हर्ट किया है, आंसुओं में इतना ज्यादा आपने डुबा दिया है, जिनकी वजह से आपका जो एक छोटा सा नन्ना सा बच्चा ना अंदर, आपने उसको खत्म कर दिया जो जीना चाहता है। ये देखिए, क्योंकि यहाँ पे मुझे लगता है फूल की एनर्जी, इसीलिए दो मुझे एनर्जी पिक हुई थी। मैंने आपको पहले ही इस कार्ड से बता दिया था कि यहाँ पे मुझे दो एनर्जी पिक हुई है। एक ऐसे इंसान जो इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि उनको यह है कि हमें जीना है, हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि आप में आगे जीने का, आगे बढ़ने का पैशन है, लेकिन अपने पार्टनर के चक्कर में आप इतना ज्यादा स्टक हो, आप 24 आवर उनको वॉच कर रहे हो, लेकिन आप अपनी लाइफ को वॉच कीजिए, अपनी लाइफ को देखिए कि अपनी लाइफ को आपको कैसे आगे लेके जाना है। तो अपने अंदर के गाइज, एक चीज बोलूं, आप इस चीज को फॉलो करना है नहीं करना वो आपकी मर्जी है, लेकिन एक बात बोलूं, चाहे आप 50 साल के हो जाओ, लेकिन अपने अंदर का बच्चा मत मरने देना, क्योंकि वही एक बच्चा होता है। क्योंकि आप देखो, हम एज के जितने मर्जी बड़े हो जाएं, लेकिन जब हम सारी फैमिली, जैसे सिस्टर की फैमिली, मदर की फैमिली या भाई भाभियां सभी साथ में बैठते हैं, तो हम कैसी हरकतें करते हैं बच्चों जैसी। कभी हम बेड पे खड़े होके कूदते हैं, कभी हम कैरम खेलते हैं, कभी हम बच्चों के साथ बच्चे बन जाते हैं। तो वो क्या होता है, वो हमारा इनर चाइल्ड होता है, अंदर का बच्चा, जिसे हम अपनी हालातों में उनको मार देते हैं। और हम क्या करते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं कि हजार घर में सारी फैमिली बैठी हुई है, लेकिन एक इंसान ऐसा होता है जो कोने में फोन पकड़ के बस बैठा होता है। वो क्यों? क्योंकि वो अंदर के अपने बच्चे को मार चुका है, अपने खुशियों को मार चुका है किसी और पर्सन के चक्कर में, जो अपनी लाइफ में बहुत आगे जा रहा है, जिसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, उनके चक्कर में अपने आप को खत्म कर रहा है। लेकिन इसीलिए मैं बोलती हूँ कि अपने आपके बच्चे को मत मारना जो अंदर है, अपने आप को सेल्फ लव कीजिए। जितना टाइम आप अपने अपने पार्टनर को स्टॉक करने पे लगा रहे हो, उतना टाइम खुद को दीजिए, अपनी बॉडी को दीजिए, हेल्थ को दीजिए, अपनी फिटनेस को दीजिए, अपनी डाइट प्रॉपर कीजिए, ताकि आप और ज्यादा दिखने में सुंदर लगो, अपनी बॉडी को इन्हेंस कर सको, अपनी ब्यूटी को इन्हेंस कर सको। मैं हमेशा वीडियो में यही बोलती हूँ कि प्लीज सेल्फ लव कीजिए, ठीक है। तो चलिए गाइस, रीडिंग को यहीं क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और आई एम सो सॉरी गाइस कि काफी दिनों से मैं प्रॉपर वीडियोस नहीं बना सकी, क्योंकि मैंने आपको अपने रीजन बता दिए थे। एक तो पर्सनल रीडिंग की बुकिंग्स बहुत ज्यादा थी, सेकंड मैं आउट ऑफ सिटी थी, जिसकी वजह से मैं नहीं बना पाई। और अब मैं आपको कंटिन्यूसली रीडिंग बनाया करूंगी। और प्लीज मैं बार बार बोलती हूँ कि इंस्टाग्राम पे जाइए और मुझे वहां पे फॉलो कीजिए, ताकि मैं आपको आपके साथ सारी रेमेडीज शेयर कर सकूं जितनी भी है, और मैं आपको वीडियो भी वहां पे प्रोवाइड करूंगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, लव यू, और प्यार से हमेशा बोलते रहिए राधे राधे।